नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेडिकल में पूछा हुआ ये भी क्वेश्चन, ए बॉडी कंसंट्रेट टू मूव इन ए वाई डायरेक्शन इज सब्जेक्टेड टू फोर्स गिवेन एफ इजकल टू -2i कैप +15j कैप +6k कैप एंड द वर्क डन बाई फोर्स इन मूविंग द बॉडी थ्रू डिस्टेंस ऑफ 10j मीटर अलॉन्ग वाई एक्सिस। ओके देखो फोर्स गिवेन है, कॉन्स्टेंट फोर्स है, यहाँ पे लिख दे एफ इजकल टू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एफ इजकल टू -2i कैप +15j कैप +6k कैप। ओके और क्या दिया हुआ है, हाँ डिस्टेंस दिया हुआ है डी आर, पोजिशन वैक्टर दिया हुआ है डी आर, ये भी वैक्टर है डी आर इजकल टू 10j कैप। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फोर्स लग रहा है वाई वाई अलॉन्ग में फोर्स लग रहा है और यहाँ तक इतना मीटर मूव किया, देन वर्क डन फाइंड करना है। तो वर्क डन इजकल टू क्या होता है, वर्क डन इजकल टू फोर्स इंटू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ध्यान देना फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट डी आर, ये क्या पोजिशन वैक्टर वैल्यू हम पुट कर देंगे, फोर्स का वैल्यू क्या है, वर्क डन इजकल टू -2i कैप +15j कैप +6k कैप डॉट डी आर, कितना है आपका ओनली 10j कैप। अब देखो जे कैप को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे आई से तो क्या होगा, आपको पता होना चाहिए वेक्टर में पड़ा होगा, आई डॉट आई क्या होता है वन होता है, लेकिन आई डॉट जे क्या होता है जीरो होता है, जे डॉट जे वन होता है लेकिन जे डॉट आई क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, या जे डॉट के क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 150 होगा 150, और जे डॉट जे क्या होगा वन होगा, अब प्लस फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, फाइनली जो वर्क डन हमारा आया क्या 150 जूल आया। ऑप्शन नंबर करेक्ट हम कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ओके नोट कर ले।